and waffles, pure veg. Chocolate fondue, cheese fondue, hot chocolate brownie sundae, hot chocolate pastry, Nirali chocolate and waffles, Empress Mall, first floor, food court, third floor. सुशीकाल जय जुनेन्द्र आपकी होस्ट अभी की दोस्त मीनाक्षी इज बैक विद अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है निरालीज किचन। शो के नाम से आप जान ही चुके होंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। जी हाँ, ये मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारा जो नागपुर है, नागपुर के लोग हैं, विदर्भ के लोग हैं, और हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत चूजी हैं, बहुत फूडी हैं। उन्हें खाना बनाना पसंद है, उन्हें खाना खाना पसंद है, और लोगों को खिलाना भी बहुत पसंद है। लेकिन इस सारी चीजों को करते हुए एक प्रॉब्लम आती है, वो है रेसिपीज की। आप कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं, आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन रेसिपीज नहीं होती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम ये शो लाए हैं जिसका नाम है निरालीज किचन। और निरालीज किचन की जो क्वीन है, जिसे हम कहते हैं किचन क्वीन, उनके पास एक ऐसा मैजिक है, एक ऐसा मैजिक बॉक्स है जिनमें ऐसी रेसिपीज हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ स्पाइसी, कुछ इंटरनेशनल क्यूजींस कह लें या इंडियन क्यूजींस, इतनी ढेर भंडार है रेसिपीज का। तो सबसे पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर बात करते हैं इस शो के बारे। तो यू आर प्रेजेंटिंग आज हमारे शो की, इस शो की निरालीज किचन की क्वीन, किचन क्वीन मिसेस नीरज जैन। नमस्कार, मैं नीरज जैन, निराली किचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम इस एपिसोड में कुछ ऐसी रेसिपीज लेंगे जो बनने में आसान, स्वाद में स्वादिष्ट और हेल्दी भी हो। फर्स्ट रेसिपी है फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट के लिए एग्जैक्टली हमें क्या लगने वाला है वो नोट कीजिए। सामग्री, फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिक्स वेजिटेबल, बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, 1 कप मैदा, 1.5 कप मिल्क, 1/4 कप पनीर, 1/4 कप चीज, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 4-5 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, 1 टेस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेस्पून गरम मसाला, 1/2 टेस्पून नमक, 1 टेबल स्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले बारीक कटी हुई सब्जियां चाहिए, जिसमें मैं ले रही हूँ प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जिसे हम एकदम बारीक कट करेंगे। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमने जो सब्जियों का इस्तेमाल किए हैं उसमें शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और पत्ता गोभी, जिसको हम एकदम बारीक कट करके ले रहे हैं। और इसमें हम जो ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड यानी व्हीट ब्रेड, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये आसानी से मिल जाती है, आराम से मिलेगी, हर बेकरी में ये अवेलेबल। आप चॉपर का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, बड़े नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं और छोटे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये 1 कप मिक्स वेजिटेबल कट करे और इसको एक मैं बाउल में डाल दूंगी। अब इसमें हमको दूसरा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पनीर, जिसे मैं ग्रेट करके लूंगी। 1/4 कप पनीर को मैंने कद्दूकस किया है, 1/4 कप चीज को कद्दूकस कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसके, कुछ एक जो आपके घर में अवेलेबल होती है, ये सारी सामग्री जो है आपके घर में मोस्टली अवेलेबल होती है। इसमें डाल रहे हैं हम लोग नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इस तरह से ये हमारी फ्रेंच टोस्ट की एक स्टफिंग तैयार हो गई।
इसको एक बार फिर से अगर हम लोग हाँ कर लें तो बेटर हो जाएगा। इसमें हमने लिया है सबसे पहले एक कप मिक्स वेजिटेबल, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, 1/4 कप पनीर किसा हुआ, 1/4 कप चीज किसा हुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, टमाटर सॉस और चिली सॉस। इस तरह से हमारी ये एक फ्रेंच टोस्ट की स्टफिंग तैयार हो गई। इसको इसके बाद हम लोग एक बैटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लेंगे मैदा और दूध। एक कप मैदा और दूध को मिक्स करके एक बैटर तैयार करेंगे। इस बैटर को हम 15-20 मिनट के लिए अलग छोड़ेंगे। ये बैटर से हम लोग एक पैनकेक बनाने वाले हैं। यहाँ हमने मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे को मैदे की चलनी से छान के भी ले सकते हैं, उससे आपकी रेसिपी और ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। मैदा थोड़ा सा हैवी होता है, हैवी होता है, नहीं कर पाता है मैदा, तो उसकी जगह आटा यूज कर सकते हैं। आटे को लेकिन आपको मैदे की चलनी से छान के लेना है, जिससे आप आसानी से उसके पैनकेक बना सकें। तो इस तरह से हमारा ये एक बैटर तैयार हो गया, मैदा और दूध, जिसे हम 15-20 मिनट के लिए अलग रखेंगे। तो चलिए इस तरह से 15-20 मिनट रख के हमारा ये घोल तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। सबसे पहले हम ब्रेड के चारों कॉर्नर्स को कट करेंगे। कॉर्नर कट करने के बाद ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे टमाटर सॉस, चिली सॉस, इसको अच्छी तरह से फैला के फिर इसके ऊपर रखेंगे हम स्टफिंग। टमाटर सॉस, चिली सॉस के बाद इसके ऊपर हम जो तैयार किए हैं स्टफिंग, जिसमें हमने मिक्स वेजिटेबल्स, टमाटर सॉस, चिली सॉस, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, पनीर और चीज का इस्तेमाल करके जो स्टफिंग तैयार करी थी वो हम ब्रेड के ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रेंच टोस्ट का मसाला हमने ब्रेड के ऊपर रखे। तो चलिए हम बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। इसके लिए सबसे पहले हम गैस चालू करके तवे को गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और कपड़े से हल्का सा पोंछ देंगे। वापस गैस बंद करेंगे, क्योंकि जिस टाइम आप ये बैटर तवे पे फैला रहे हैं उस टाइम आपकी गैस बंद होनी चाहिए। ऐसा इसलिए हम करते हैं कि यदि हमने गरम गरम तवे पे ये घोल या बैटर इसके ऊपर डाला तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं। तो इस तरह से हम तवे पे ये बैटर फैलाएंगे, मैदे का चीला बना रहे हैं, जिसे कि हम पैनकेक कहते हैं। इसको अच्छी तरह से चम्मच से फैलाएंगे, पूरी तरह से गोल करेंगे। वापस गैस चालू करेंगे, हल्का हल्का तेल चारों तरफ डालेंगे और देखेंगे कि ये चारों तरफ से निकल रहा है या नहीं। एकदम बहुत ज्यादा हमको इसको सेकना नहीं है। ये इस तरह का स्नैक्स है जिसे आप पहले से प्री प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। छोटी मोटी किटी पार्टी, बच्चों की बर्थडे पार्टी, किसी में भी आप ये आसानी से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप इसकी आधी प्रिपरेशन करके यदि रख देते हैं तो सर्व करते टाइम बहुत ही आसानी से आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब बीचों बीच हम ब्रेड स्लाइस रखेंगे और इसे चारों तरफ से मोड़ देंगे। यदि आप ये पहली बार बना रहे हैं और आपने पैनकेक को ज्यादा सेक लिया, तो जैसे ही आप पैनकेक को ब्रेड के ऊपर मोड़ेंगे कि पैनकेक आपका फट जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसे आप कम सेकिए और फिर ब्रेड रख के उसको चारों तरफ से क्या कर देना है, हमको उसको मोड़ देना है। इस तरह से इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे।
ये देखिए, ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये डिश प्लेटर के लिए तैयार। तो चलिए अब हम इस फ्रेंच टोस्ट की गार्निशिंग करते हैं। अब आ गया है प्लेटिंग टाइम। इसको बीच में से दो पीसेस करेंगे। अब हम साइड में इसके थोड़े से प्याज के लच्छे रखेंगे, पुदीना चटनी, हल्का सा टमाटर सॉस, थोड़े से आलू के चिप्स और हरी मिर्च, हरा धनिया। इस तरह से हमारी ये डिश फ्रेंच टोस्ट तैयार हो। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट रेसिपी फ्रेंच टोस्ट जी, ये आपने देखी तैयार हो गई। शायद आपने नोट भी कर ली होगी, अगर नोट नहीं की है तो उसका एक रीकैप देख लीजिए। फ्रेंच टोस्ट, सबसे पहले एक कप मिक्स वेजिटेबल को बाउल में डालें, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी होंगी। फिर उसमें एक चौथा कप पनीर को ग्रेट करें, फिर एक चौथा कप चीज भी ग्रेट करें। इसमें एक टीस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, दो टेबलस्पून टमाटो सॉस, एक टेबलस्पून चिली सॉस। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर मिक्स करके स्टफिंग तैयार करें। अब एक बोल में एक कप मैदा और इसमें दूध डालकर बैटर तैयार करें और उसे 15 मिनट अलग रख दें। अब फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर लें, फिर ब्रेड स्लाइस के ऊपर टमाटो सॉस, चिली सॉस लगा लें, फिर इसके ऊपर स्टफिंग रख। अब तवे को गरम कर थोड़ा ऑयल डाल उसे बंद कर दें। फिर मैदे के बैटर का एक पैनकेक बनाएं और गैस शुरू कर दें। जब पैनकेक हल्का वन साइड पक जाए तो उस पर ब्रेड स्लाइस रख कर पैनकेक से लपेट लें। आपकी फ्रेंच टोस्ट सर्व करने के लिए तैयार है।